साधो सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फिरूं सो करूं परिक्रमा, भावन राखूं दूजा, साधो भाई सहज समाधि वाली। जब सोऊं तब करूं दंडवत, सोते समय ये भाव करें कि मैं तो मेरे ठाकुर जी के गोदी में विश्रांति पा रहा हूं। वो आपका रात को सोना, वो योग निद्रा हो जाएगी भगवान के मंगल में सानिध्य का एहसास होगा। खाओगे तो भी पूजा, नहाओगे तो ये भगवान की जिस शेष शैया में सोते हैं और जो शेष जी समुंदर में भगवान को अपने ऊपर धारण करके जो शेष जी रहते हैं, वहीं का पानी उठ के बरसा है और वही पानी जमीन में आया और वही टंकी में गया, वही नल में आया, उसी पानी से मैं नहा रहा हूँ। ये तो भगवान का ही पानी है जिस पानी से हम नहा रहे हैं। तो ये भाव में ही तो भगवान है। आपने नहीं सुना कि भगवान मिठाई के भूखे हैं, भगवान रस मलाई के भूखे हैं, लड्डू पेड़े के भूखे हैं, जलेबी बूंदी के भूखे हैं, कि भगवान मोतीचूर के लड्डू के भूखे हैं? ये तो मैंने नहीं सुना। न समोसे के भूखे हैं, न कचौड़ी के भूखे हैं, न पानी पतासों के भूखे हैं, न बेसन का या मोतीचूर के लड्डू के भूखे हैं। भगवान भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं। तुम प्रेम से जो अर्पण कर देते हो, भगवान उसे पा लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। कहते हैं कि पत्र पुष्प फल अर्पण करते करते जीव अपने अहंकार को, अपने देहाध्यास को, अपनी अकड़ को, पकड़ को, दुराग्रह को भगवान के चरणों में अर्पण करता जाए। मैं अरु मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये मैं हूं और ये मेरा है, तबाह हो गया इसी में। मेरा अस्तित्व बना रहे, मेरी इच्छा बनी रहे, मेरी अकड़ पकड़ बनी रहे, ये मैं हूँ और ये मेरा है। इसी मैं और मेरे ने जीव को बांध के रखा है, तबाह करके रखा। हकीकत में अपना कुछ था नहीं, अपना कुछ है नहीं और अपना सदा रह नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिस शरीर को तुम मानते हो कि मैं हूं, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। आंख तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी होती तो तुम्हारे कहने में चलती, फिर चश्मा नहीं लगाना पड़ता। और ये शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारे से बिना पूछे काले बाल के सफेद नहीं होते, वो भी तुम्हारी आज्ञा में चलना चाहिए था। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, आंखें तुम्हारी नहीं है, ये कान तुम्हारे नहीं है। शरीर में जो भी कुछ है वो आपका नहीं है, और शरीर के साथ जुड़ा जो भी कुछ है, घर परिवार मकान दुकान जो भी है, ये भी तुम्हारा नहीं है। ये सब भगवान का है। भगवान की दी हुई चीज को अपनी मानने की ना समझी जो कर लेते हैं, उनको दुख के सिवा, तनाव के सिवा, अशांति के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए इस भाव को दृढ़ करो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर,
तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा था नहीं मेरा है नहीं, और लाख कोशिश करो तो भी जिसको तुम मेरा मानते हो उसको टिकाना मुश्किल है। कई लोग इस जमीन